अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त भाई। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। यार गले का बुरा हाल है, कल से कल की निस्बत आज ज़्यादा बैठ गया है। पता नहीं क्या हुआ है, कोई गर्म सर्द हो गया है पता नहीं मुझे इस चीज़ का, लेकिन इतनी तको दो मतलब आपके लिए हो रही है, आपके लिए व्लॉग निकाले जा रहे हैं लेकिन आप फिर भी सब्सक्राइब ना करो तो अच्छी बात नहीं है। मैं इस टाइम फुल ज़ोर और शोर के साथ बोल रहा हूँ और आप देख लें कि आपको कितनी को मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा खासा गला बैठा हुआ है, ये डॉक्टर को चेक करवाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि एक दो दिन तक बेहतर हो जाएगा। बाकी वेलकम अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। उठे हैं अभी, उठ के नाश्ता वगैरह करना है, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद देन आपको मिलते हैं। हमारा नाश्ता अराउंड अबाउट कोई 1-2 बजे के करीब हो रहा है। रात को लेट सोना और लेट उठना, क्योंकि पहले तो सहरी के बाद मैं व्लॉग एडिट कर लेता था लेकिन अब व्लॉग सारा दिन करना है, फिर रात को जाके व्लॉग एडिट करना होता है, जिसकी वजह से मतलब कि नहीं काम सही हो रहा था। तो मिलते हैं फिर आपको ना नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करके फ्री हो गए हैं यार, अभी मैंने फ्रेश होना है, अपने कपड़े शपड़े चेंज करने हैं तो कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद जाना है बाज़ार, बैंक जाना है, पहले तो बैंक से थोड़ा सा काम है वो करना है, फिर उसके बाद अगर बाज़ार से कुछ अगर चीज़ ख़रीदनी हो तो वो ख़रीदेंगे, नहीं तो फिर घर वापस सीधा आ जाएंगे। फ़िलहाल नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करने के बाद देन आपको मिलते हैं। कपड़े चेंज कर लिए हैं तो अभी निकलना है बाज़ार, मैं और भाई जाएंगे तो निकलते हैं बाज़ार। ये निकल पड़े हैं यार बाजार। गला ख़राब होने की वजह से ना मैं उधर बोलना नहीं हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं थी आनी, गला हो जाएगा सही इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ना। गर्मी अच्छी खासी है, हवा चल रही है लेकिन गर्मी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा है। ये पता नहीं फ्रूट जा रहे थे या कुछ सब्जी वगैरह, आई थिंक जा रही है। सीजन चल रहा है गंदम का, ज़्यादातर लोग गंदम ही लेके जा रहे हैं, इसमें भी गंदम है। ट्रैफिक बढ़ी है हमारे इस रोड पे ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखें, ये पता नहीं इसमें क्या लेके जा रहे हैं, ये नहरें हैं। नहरें तो आपको पहले भी दिखाई हुई हैं तफसीलन। ये बस काम से फ्री हो गए, घर की तरफ निकल पड़े हैं, काम हो गया था अपना तो अभी के जा रहे हैं जी घर। मिलते हैं फिर आपको ना घर जाके। ये वापसी का व्यू है जी नहर का, चेक करें नहर। मिलते हैं आपको फिर घर जाके। बाजार से यार मैं आ गया हूँ घर, तो अभी आपको पता है अपनी पतंगबाजी का टाइम है। बुलंदों वाला छत पे आज फिर एक मरतबा तशरीफ ले आए हैं। ये अपनी चरखी पड़ी है, ये अपने गुड्ढे पड़े हैं, गुड्ढों के ऊपर पैप के साथ सहारा दिया हुआ है कि गुड्ढे उड़ ना जाए, क्योंकि हवा बड़ी अच्छी खासी चल रही है आज, अच्छी खासी तेज़ हवा है तो गुड्ढे अभी उड़े नहीं हैं, क्योंकि आज अगेन स्कूल और अकेडमी वगैरह ओपन हो गई हैं तो बच्चे सारे उधर चले गए हैं। तो उम्मीद है कि कोई और आधे घंटे तक उड़ जाएंगे थोड़े से गुड्डे, तो फिर को पेचा शेचा भी करेंगे। फिलहाल तो कोई नहीं नज़र आ रहा पेचे वाला, एक ये लगा ही नहीं रहे, एक दो वो आ गए हैं, वो काफ़ी दूर हैं तो बाकी लगाते हैं किसी के साथ कोई हिसाब पेचे वगैरह का। एक ये है, इसकी तरह मेरा कुट्टा नहीं जाता, उसे चबल गया। तो मिलते हैं फिर आपको बाद में। मैं आज फिर अकेला ही, तो अकेले वैसे पतंगबाजी करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है बंदे को, अकेला ही कुट्टा चढ़ा रहा हूँ आज। फिर बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर तक, टीम मेरी दोबारा आ जाएगी, कोई गुड्डा नहीं पेचा लगा है, कोई आस पास गुड्डा ही नहीं उड़ रहा जिसके साथ पेचा लगाया जाए। पता नहीं क्या इशू बना हुआ है, टाइम तो काफ़ी हो गया लेकिन बंदे गुड्डा नहीं उड़ा रहे।
वो आ गया ना एक रेड कलर का गुड्डा, वो तो एक जा रहा ना, वो जो आ गया ना, वो मेरा दिल कर रहा है कि उसकी तरफ जाऊं और उसको उठाऊं। अगर तो उठ गया ना तो किस्मत बन जाएगी, मज़ा आएगा पीछा लगाने। जाते हैं उसकी तरफ और देखते हैं क्या मामला होते हैं। ये सामने लगा हुआ है गुड्डा, ये वाला गुड्डा ना उतार के यार मैंने वो छोटे पान वाला गुड्डा उड़ाया था तो उसने ये देखे बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरी चरखड़ी का। ये तो बड़ी खुशकिस्मती के साथ चरखड़ी बची है, नहीं तो ये भी सारी साथ ही चले जानी थी। हुआ क्या कि मेरे हाथ से चरखड़ी छूट निकल गई और मैंने खुटे की वो कॉर्नर से पकड़ी है, ये जो इस साइड पे कॉर्नर ना, इस साइड से मैंने पकड़ी है। ये सारी चरखड़ी जानी थी आज। बड़ा गंदा गुड्डा था यार वो, उसने ना कोई मज़ा नहीं करवाया, डोर अलग से वेस्ट किया उसने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसे उड़ाने का, ऐसे ही नुकसान ही हुआ उल्टा। मेरे जहन में था कि बड़ा प्यारा गुड्डा, बड़ा मज़ा देगा, लेकिन इंतहाई गंदा गुड्डा निकला, इंतहा किस्म का गंदा गुड्डा। तो अब मेरा गुड्डा उड़ाने को दिल कर भी रहा है नहीं भी कर रहा, वो एक रेड कलर का आगे उड़ा हुआ है। सोच रहा हूँ कि गुड्डा उड़ा के उसके साथ पेचा लगाऊँ, तो देखते हैं अगर दिल किया तो लगाते हैं फिर उसके साथ पेचा और फिर मिलते हैं आपको बाद में। अगर दिल किया तो उड़ाऊँगा, अगर दिल ना किया तो फिर नहीं उड़ाना मैंने, तो फिर बस अब नीचे चले जाएंगे, जाके को पानी शानी पीते हैं, प्यास बहुत लगी है और गला भी फुल खुश्क हो गया, फुल ख़राब भी है गला आपको पता ही। अभी मेडिसिन ली नहीं है, बैंक से आए हैं तो सीधा इधर आ गए हैं छत पे, अब नीचे जाएंगे फिर कोई मेडिसिन का सीन चलाएंगे जाके, तो अभी करते हैं कुछ काम, चलते हैं नीचे और फिर मिलते हैं आपको बाद में। बस यार गुड्डा उड़ा के फ्री हो गए हैं, देखें फुल अंधेरा हो गया है, तो बाकी बस अब चल रहे हैं नीचे, तो मच्छर बहुत ज़्यादा है इधर क्योंकि छत काफ़ी ऊंची है ना, इसीलिए नीचे आ गए मच्छर काफ़ी है। तो अभी निकलना है बाज़ार, साहब भाई को लेते हैं और बाज़ार चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। ये बाज़ार निकल पड़े हैं भाई के साथ, तो बस बाज़ार ही आना जाना होता है ज़्यादातर, तो कभी दिन टाइम और कभी रात टाइम, रात का टाइम है आपको कुछ नज़र तो आएगा नहीं। चलिए मेरा चेहरा देख लें आप, यही नज़र आ सकता है फ़िलहाल और कुछ नहीं नज़र आएगा आपको, अंधेरा फुल है। लाइटें वैसे लगानी चाहिए सड़क पे भी ना, जिसकी वजह से बंदे को कुछ नज़र तो आए कम अज़ कम। फुल अंधेरा है, फटाफट से यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। ये बस काम हो गया अपना तो ये चल पड़े हैं घर की तरफ। गला यार बस सही नहीं हो रहा, इंशाल्लाह हो जाएगा एक दो दिन तक सही ना, मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि हो जाएगा सही। ये वो चीज़ सामान है जो लेके जा रहे हैं घर, ये शादी वाला घर है जी, इधर शादी हो रही थी, मैं तो कहते किसी यार मैं घर आ गया हूँ तो बाज़ार के वीडियो में बोला नहीं हूँ, मैं वो घर वॉइस ओवर करूँगा क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही थी जिसकी वजह से आपको समझ नहीं थी यानी, मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेंगे। तो घर आ गए हैं तो घर आके फ्री होते हैं, जो कुछ लाए हैं उनके साथ ज़रा थोड़ी हाथापाई करते हैं और फिर मिलते हैं आपके यार। तो अभी बस लोगों को इधर करते हैं एंड, मैं डॉक्टर के पास होके आया था तो उसने मुझे मेडिसिन दी है और उसने मुझे कहा है कि यार आपने बोलना नहीं है, बोलना नहीं। लेकिन मैंने उसे कहा भी मैं तुम्हें क्या बताऊँगा, मेरा काम ही बोलने वाला है, मैंने अपनी ऑडियंस को व्लॉग देना होता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह व्लॉग लाजमी अपलोड होंगे, सारे अपलोड होंगे,
आपने इस बात की तरफ से टेंशन नहीं लेनी। बाकी इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे आपको एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।